प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इससे पहले पीएम मोदी ने संतों की मौजूदगी में ऐतिहासिक सेंगोल को स्थापित किया। शनिवार को तमिलनाडु से आए अधीनम ने इस ऐतिहासिक राजदंड को पीएम मोदी को सौंपा था। तो आइए जानते हैं इस सेंगोल की खासियत। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृतिका और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। सेंगोल को लोकसभा में अध्यक्ष के आसन के बगल में स्थापित किया गया है। सेंगोल तमिल शब्द में सेम्मई से जाना जाता है। इसका अर्थ होता है नीति परायणता। अब सेंगोल को देश के पवित्र राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर जाना जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से भारत को हस्तांतरित किए गए सत्ता के प्रतीक ऐतिहासिक सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। सेंगोल अभी प्रयागराज के एक संग्रहालय में रखा गया था। वहीं तमिलनाडु का चोल साम्राज्य भारत का एक प्राचीन साम्राज्य था। तब चोल सम्राट सत्ता का हस्तांतरण सेंगोल सौंप कर करते थे। भगवान शिव का आह्वान करते हुए राजा को इसे सौंपा जाता था। नेहरू को राजा गोपालचारी ने इसी परंपरा के बारे में बताया था, जिसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सेंगोल परंपरा के तहत सत्ता हस्तांतरण की बात को स्वीकार किया और तमिलनाडु से इसे मंगाया गया। सबसे पहले सेंगोल को लॉर्ड माउंटबेटन को ये सेंगोल दिया गया था और फिर उनसे हस्तांतरण के तौर पर इसे वापस लेकर नेहरू के आवास ले जाया गया, जहां गंगा जल से सेंगोल का शुद्धिकरण किया गया, जिसके बाद मंत्रोच्चारण के साथ नेहरू को इसे सौंप दिया गया। प्रयागराज म्यूजियम में यह गोल्डन स्टिक पहली मंजिल पर बनाई गई नेहरू गैलरी के एंट्रेंस गेट पर बने शोकेस में रखी गई थी। इस गैलरी में पंडित नेहरू के बचपन की तस्वीरों से लेकर उनके घरों के मॉडल, ऑटोबायोग्राफी और उपहार में मिली हुई तमाम वस्तुएं रखी गई हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के निर्देश पर यह सेंगोल तकरीबन 6 महीने पहले 4 नवंबर 2022 को प्रयागराज म्यूजियम से दिल्ली के नेशनल म्यूजियम भेज दी गई थी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। और भी ऐसी वीडियोज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।